गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रीता वाजपेयी हूँ इलाहाबाद से, मेरे हस्बैंड मिस्टर नरेंद्र वाजपेयी से। थैंक यू टू यू। एंड आज हम लोग बात करेंगे कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि कोई कंपनी अगर अपने मीडिएटर्स को बाईपास करके डायरेक्ट सामान को बेचना चाहती है तो वो कोई मेथड उसके लिए अडॉप्ट कर सकती है। इसका एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट एशियन स्काई शॉप के नाम से हम लोगों ने बहुत जमाने पहले सुना था। फिर धीरे 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 कुछ और कंपनियों ने इसको ऑनलाइन या किसी तरीके से लाने की कोशिश की। एक किताब हमने पढ़ी थी किसी जमाने में और कुछ हमने लीडर्स को बोलते सुना, तो मुझे लगता था कि पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता था ये लोग कैसी बात कह रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो उस किताब में 2001 या 2 में कभी पढ़ी थी और उसमें ये था कि आने वाला टाइम ऐसा होगा जब मैन्युफैक्चरर से ज्यादा इनकम कमाई करेगा सेलर। तो मैं सोचता था कि वाह, टाटा ट्रक बनाएगा और जो ट्रक बेचेगा वो उससे ज्यादा पैसा बनाएगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने की वजह से मैं अलग अलग तरह से क्रिटिसाइज करता था, एनालाइज करता था। तो मैं ये सोचता था कि अभी इस किताब में कुछ ज्यादा ही हो गया, सेलर कैसे ज्यादा पैसा बनाएगा। लेकिन हम इसको भले ही ना समझ पाए तो, लेकिन उस डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को, सेलिंग में ज्यादा पैसा है इस बात को टाटा ने समझा। उन्होंने वेबसाइट और कुछ और भी ब्रांड्स उतारे, रिलायंस ने समझा, उन्होंने अपने कुछ मॉल्स उतारे। अगर आप उसको देखो तो और भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिरलाज हैं, उन्होंने पेंटलून उतारा। तो डायरेक्ट सेलिंग इस तरह से लोगों को समझ में आ गई कि सेलिंग में बहुत पैसा है। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े बड़े लोग जो उस किताब में लिखा था उसको वो समझ गए, क्योंकि वो इस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्टाइज करते हैं। समय बदला, धीरे धीरे और भी नए मॉडल्स आने की बातें आने लगी। उससे बहुत पहले, बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट उभर के सामने आया कि मीडिएटर को हटाकर फ्रेंचाइजी से बिजनेस किया जा सकता है। तो फ्रेंचाइजी दे दी, वो भी डायरेक्ट सेलिंग थी, लेकिन फ्रेंचाइजी जिसको मिलती थी वो सेल्स करता था, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह हो गए। लेकिन यहां पर भी बात रुकी नहीं और इनोवेशन होता है ना, इम्प्रोवाइज होती हैं चीजें। तो जो इम्प्रोवाइज हुआ वर्ल्ड में, एक ऐसा इम्प्रोवाइजेशन हुआ, जैसे अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के बॉलर्स पे, जो वर्ल्ड के सबसे डेंजरस मोस्ट फास्ट बॉलर्स थे उस टाइम पर, उस पर सिक्स मार दिया पॉइंट के एरिया में और वो पूरा का पूरा फोकस ही चेंज हो गया मैच का। वो इम्प्रोवाइजेशन था, उसके बाद तो वो सभी आज उसी तरह सिक्स मार रहे हैं, वो पूरा रास्ता ही खुल गया। धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लाया, उसका रास्ता ही खुल गया। ये जो इम्प्रोवाइजेशन है ये बड़े ही गजब के तरीके से हुआ। और ये क्यों हुआ? इसका इजाद हुई नेटवर्क मार्केटिंग की शक्ल में, इसको इंटरेक्टिव मार्केटिंग भी कहते हैं। तो जो मार्केटिंग है उसमें डायरेक्ट सेलिंग में इम्प्रोवाइज होकर के नेटवर्क मार्केटिंग और इंटरेक्टिव मार्केटिंग, इस तरीके के नामों से चीज एक्सिस्टेंस में आई। अब इसमें जो नेटवर्क है वो बड़ी खूबसूरत चीज है। कहते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी नेटवर्थ होगी, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। मारुति का जितना बड़ा सर्विस सेंटर्स होंगे उतनी गाड़ी ज्यादा बिकेगी, मार्केट शेयर उतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि सर्विस सेंटर फैसिलिटीज ज्यादा है। तो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको सब समझ रहे हैं, जो लोग नेटवर्क की पावर समझ रहे हैं वो बना रहे हैं। अब एक साधारण सा इंसान भी नेटवर्क बना ले जाए, इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग डेवलप हुई। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो इम्प्रोवाइजेशन था, वो बहुत बहुत बड़ा इम्प्रोवाइजेशन है, इसीलिए रिजल्ट्स इसके बहुत बड़े हैं। उसमें इम्प्रोवाइज क्या किया कि जो ग्राहक है उसी को फ्रेंचाइजी दे दो, हर ग्राहक को फ्रेंचाइजी मिल सकती है और वो फ्रेंचाइजी कंपनी ही सबको नहीं दे, फ्रेंचाइजी जिसको मिली है वो फ्रेंचाइजर भी होगा, वो भी फ्रेंचाइज करेगा। ये जो फ्रेंचाइजी है और इसका जो फ्रेंचाइजर है वो हर ग्राहक हो सकता है अगर वो इनकम करना चाहता है और वो इस तरीके से अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स डेवलप कर सकता है, अपनी टीम्स बना सकता है। जैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने जो होलसेलर्स डेवलप करता है, मार्केटिंग में डिफरेंट तरह के पार्टनर्स डेवलप करता है, सेम वे एनी कस्टमर कैन डू इट।
और इसकी जो दूसरी बहुत बड़ी खूबसूरती थी इस फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर की, ये ग्लोबल पावर है। एक साधारण सा इंसान बिना कोई पूंजी लगाए हुए खुद को एज डिस्ट्रीब्यूटर एस्टैब्लिश करे और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स बांटना शुरू करे, और उसका रीजन कंट्रोल्ड नहीं है। किसी बहुत बड़े से बड़े सीएनएफ एजेंट को आप देख लो, वो पूरे इंडिया का सीएनएफ एजेंट नहीं होता, वो उसका उसकी लिमिटेशन है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये लिमिटेशन है उसकी। अब यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप पूरे इंडिया में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स क्रिएट कर सकते हो, नो लिमिटेशन, एंड इवन अब्रॉड डिफरेंट कंट्रीज में भी। ये इम्प्रोवाइजेशन जो नेटवर्क मार्केटिंग का है, ये बड़े ही कमाल का है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, वो मीडिएटर्स को हटाकर जो ग्राहक है उसको सीधे एम्पावर कर रहा है, ये इसकी पहली खास बात है। अब इसका जो बिजनेस प्लान है वो कैसे काम करता है, इस बारे में जो सबसे पहली बात हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि पैसा मत देखिए, प्लान देखिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेंट मनी का लालच दिखा सकते हैं, और इंस्टेंट मनी में तो बहुत सारी दुनिया लगी हुई है, तो बहुत सारे लोग इंस्टेंट मनी का लालच दिखा सकते हैं और उसमें हम लग भी सकते हैं। ये अट्रैक्शन है लोगों का और लोग उसी में चले जाते हैं। यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्लान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंट मनी नहीं। देयर मे बी डिलेड ग्रेटिफिकेशन बट यू विल हैव रियल नेटवर्क विच विल गिव यू ह्यूज नेटवर्थ। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें ये प्लान क्या है, प्लान ये है कि जो हमने जो जन्म लिया, तो हमारी अगर हम सब जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं, अगर उसमें सबसे फंडामेंटल चीज हम लोगों की कोई है तो वो है कस्टमर होना। हम चाहे मेल हो, फीमेल हो, एजुकेटेड हो, कम एजुकेटेड हो, हाईली स्किल्ड हो, किसी भी क्लास से हो, एनी कास्ट, क्रीड, मनी, एनी क्लास, कस्टमर तो गारंटी है और रहेंगे। ये वो सबसे बड़ी वीकनेस है जहां से हमारा जो बटुआ है उसमें छेद होता है और पैसे निकल जाते हैं। ये जो कस्टमर है इसकी जो वीकनेस है, इसका जो तकलीफ वाला हिस्सा है कि चाहे जितना कमाओ, ये जो पैसा आएगा, इनकमिंग होगी आपकी पॉकेट में, बटुए में, वो उसमें छेद है, वहां से वो मार्केट में निकल कर जाएगा। ये जो इम्प्रोवाइजेशन है, इसमें जो ये प्लान है, उसकी खूबसूरती यह है कि उसी पैसे को वापस लाने का इंतजाम है, उसी पैसे को वापस लाने का इंतजाम है, जो कमजोरी है उसी को ताकत बनाने का इंतजाम है। दैट इज द पावर। तो आपने ग्राहक की तरह से मार्केट स्विच किया और इस बिजनेस प्लान में आए, प्रोडक्ट्स यूज किए, उसका एडवांटेज मिला, लाइफ स्टाइल चेंज हुई क्योंकि क्लास प्रोडक्ट्स हैं। आप जिस तरीके की शर्ट पहनते हो, जिस तरीके का मोजा जूता पहनते हो, कहते हैं कि अगर किसी को देखना है कि वो संपन्न है या नहीं तो उसका कुछ मत देखो, सबसे पहले उसका जूता देखो। ये पुरानी कहावतें हैं, मैं जरूरी नहीं मानता कि ऐसा 100% ये सक्सेसफुल होगा एनालिसिस, लेकिन कहते यही है। तो वट एवर यू वियर दैट गिव्स यू द किक, वो आपके अंदर एक उत्साह पैदा करता है। आपका अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छे ढंग से आपने अपने को ग्रूम किया, तो बात करते समय एक अलग अंदाज आ जाता है। तो उसी तरीके से आपने ग्राहक होने के बाद जब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को यूज किया तो पहली बार ये लगता है कि मजा आ गया, हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिकॉज बीइंग अ प्रीमियम यूजर। अब प्रीमियम, सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया, फिर जब मजा आता है तो हमारी पुरानी आदत, वो बिल्कुल नेचुरल है, हम दूसरों से बताने लग जाते हैं और जिद भी करते कि ये मेरी वाली कार ही खरीदो, मेरी वाली बाइक ही खरीदो, चलो मैं तुम्हें खरीदवा देता हूँ, कोई प्रॉफिट हो या ना हो बट वी डू दैट। तो जो ये हम सलाह देते हैं वो हम देना शुरू कर देते हैं, और जब ये सलाह हम देते हैं तो यही सलाह फ्रेंचाइजी क्रिएट करती है, दूसरा ग्राहक क्रिएट करती है। जैसे बैंक के खाते में कोई रेफरेंस देने वाला होना चाहिए, यहाँ भी रेफरेंस है, तो आपके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स क्रिएट होते जाएंगे। जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी, जितनी बड़ी फ्रेंचाइजी, जितने ज्यादा नेटवर्क, उतनी बड़ी रॉयल्टी, उतने बड़े आप रॉयल होंगे और उतना नेटवर्क का आने वाला पैसा आपको मिलेगा।
ये दोनों पॉइंट्स हैं, इस तरह से ये बिजनेस प्लान काम करने लगता है, जिसमें जितने ज्यादा लोगों में सेल्स होंगी उसमें से एक कट हमको मिलेगा, उसमें बोनस हैं, बोनस के बाद में अगर आप किसी को लीडरशिप लेवल में ले जाते हैं तो वहां से आने वाली अलग किस्म की इनकम्स हैं। इनकम्स बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं कि इनकम्स बहुत ज्यादा है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो मैं आपको शेयर करना चाहता था कि ये बिजनेस प्लान किस तरीके से काम करता है। तो ग्राहक बनिए, लोगों को बताना शुरू करिए। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हम लोगों की किस्मत बदलने के लिए उनको एक चांस दे रहे हैं, इसलिए नो प्रेशर, इसलिए हम उन पर प्रेशर नहीं डालेंगे। जिसकी किस्मत होगी उसी को समझ में आएगा, वो ही चल पाएगा। किस्मत में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, एक बहुत अच्छा मसला ये था कि मैं एक टीचर था, टीचर होने की वजह से हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ स्पोर्ट्स से थे। अब जो मैडम की जॉब्स लगी वो इलाहाबाद से बहुत दूर लगी, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो अब इनके जो भी जॉब्स लगे वो सब बड़ी दूर दूर लगे। तो नई नई शादी थी, कम उम्र थी, हमने कहा कि दो शहर में नहीं रहेंगे, एक ही जगह रह लेते हैं, तो छोड़ दो। तो उसने कभी छू नहीं की, छोड़ दिया। लेकिन एक सैलरी में थोड़ी कठिनाई होती थी, पैसे की जरूरत महसूस करते थे, बट एज ए टीचर ये भी महसूस करते थे कि इनकम पायस होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए और किसी को हर्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए, और उसमें पैसा ना लगे क्योंकि हमारे पास पैसा था नहीं, तो कैपिटल लगनी नहीं चाहिए और स्किल नहीं लगनी चाहिए, हम पे स्किल थी नहीं। तो ये सारी दिक्कतें थी और ऐसी कोई चीज मिलती नहीं थी। जब ये चीज मिली तब एकदम से चेंज आया और मुझे लगा कि अगर मुझे केवल लोगों से शेयर करना है तो एज ए टीचर आई कैन डू वंडर। मैं तो बहुत तेजी से लोगों से बात कर सकता हूँ, बोलने का ही तो पैसा कमाता हूँ, और मैं सैकड़ों सैकड़ों को घंटों घंटों बिल्कुल बांध कर पिन ड्रॉप स्पीच देता हूँ। हायर एजुकेशन की स्पीचेस एक वंडर होती है, हमने वो स्किल डेवलप की थी, तो घंटों घंटों हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, मैं तो इस बिजनेस में बिल्कुल राजा हो जाऊंगा। तो मैंने ऐसा सोचा और फिर हमने इसको ज्वाइन किया एंड आई स्टार्टेड इट वेरी फास्ट। वाइफ से डर लगता था कि ये नहीं करने देंगी, ये जब आउट ऑफ स्टेशन थी तो मैंने इनको धोखा दिया और मैंने ज्वाइन कर लिया, सामान लाके घर में रख दिए। इन्होंने आके कहा कि ये क्या है, तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमने बिजनेस ज्वाइन किया है। तो प्रोडक्ट्स उन्होंने देखे, सबसे पहला जैसे देखती हैं वाइफ्स हम भी देखते हैं जेंट्स भी, तो प्राइस देखा और उसको ले जाके किचन में ऊपर रख दिया कि ये बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं, तुम सब बर्बाद कर दोगे। अब हम कैसे कहें कि पैसा तो लग चुका है, अब इसमें क्या बर्बाद होना है, इसको यूज़ किया जाए। लेकिन वो उसने रख दिया, तो फिर मैंने उसमें से चोरी करके प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू किए। लेकिन वाइफ से चोरी छिप नहीं सकती, देख तो जाता ही है, तो उसने भी मुझसे चोरी करके उसको यूज करना शुरू किया। दिस वे वी स्टार्टेड बिकमिंग ए गुड कस्टमर। तो ऐसे एक शुरुआत हुई। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर आगे थोड़ी बात रीता करेंगी। अगेन नमस्कार। अभी स्टोरी शुरुआत की आपने सुनी कि कैसे एमवे बिजनेस में हमारी एंट्री हुई थी। जो सबसे पहला काम मैंने किया था इसमें प्रोडक्ट का यूज करना, मुझे इसकी मीटिंग्स का तब पता नहीं था कि कैसे होती हैं, कहाँ से सीख सकते हैं बिजनेस के बारे में, लेकिन जो पहला काम किया था वो किया था कि प्रोडक्ट को यूज करना। और उसमें भी जो प्रोडक्ट्स आए हुए थे हमारी किट में, उसमें ऐसे एक नाम का एक प्रोडक्ट था जो लॉन्ड्री क्लीनर था, लॉन्ड्री वॉश जिससे हम कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस प्रोडक्ट को यूज करना, चूंकि रोज यूज करने हैं, कपड़े तो रोज ही धुलने हैं, तो सबसे पहले मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया था। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि एमवे के प्रोडक्ट्स में कि उस डब्बे के पीछे सारे उसके तरीके लिखे हुए थे, कब कितना कैसे और कहाँ यूज करना है। मैंने उसको पढ़ने के बाद जब मैंने सब फर्स्ट टाइम उसको वॉशिंग मशीन में यूज किया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने 10 ml डाला होगा, और मेरी मीडियम साइज की मशीन थी, और उसके बाद वो उसने सारे कपड़े साफ कर दिए थे। जो पहले मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, पहले हाथ से बाहर से कपड़ों को रगड़ना, देन उसको सोक करना, और फिर उसके बाद मशीन में चलाते थे तब कहीं जाके कपड़े साफ होते थे। लेकिन ऐसे एट का कमाल ये था कि उसने कपड़ों को यूं ही साफ कर दिया। ऐसे प्रोडक्ट पे भरोसा बढ़ा, फिर धीरे धीरे और दूसरे प्रोडक्ट्स मैंने यूज करने शुरू कर दिए। जितने किट में प्रोडक्ट्स आए थे जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे, उन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया।
तो जब यूज किया तो लगा कि हाँ प्रोडक्ट्स महंगे तो जरूर है बट हैं बहुत अच्छे। और फिर लगा कि ये तो हम यूज करके खत्म कर देंगे, दोबारा इन्हें कहाँ से मिलेंगे। पर थैंक गॉड अपलाइन हमारे बहुत खास थे, वो हमारे घर बहुत आते जाते थे। उन्होंने हमें बताया कि अगर आपने इन्हें ठीक से यूज करना सीख लिया और इन्हें लोगों को यूज करना सिखा दिया तो इसके बदले तुम्हें पैसे भी आ सकते हैं। पहले तो खुद पे यकीन नहीं हुआ कि हम ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में चूंकि अपलाइन बहुत कॉन्फिडेंट थे इसलिए हमने उनकी बात मानी और बात मान के उसको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना शुरू कर दिया। हमारे शहर में हफ्ते में एक बार या कभी कभी महीने में एक बार एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ करती थी, उसको ज्वाइन किया, वहां जाना शुरू किया, प्रोडक्ट की नॉलेज धीरे धीरे आनी शुरू हो गई और इस तरीके से मीटिंग्स में हमने आना शुरू किया। तो प्रोडक्ट्स पे पहले नॉलेज ली, उन्हें अच्छी तरह यूज करना सीखा, देन उसके बाद में हम मीटिंग्स में आने लगे। और जब मीटिंग्स में आने लगे तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो कुछ नई चीज बताई जा रही है, ऐसा तो कभी सुना नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई जरूर करी, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई करी, लेकिन कभी इस तरीके की टॉक्स नहीं सुनी थी कि जहां पर सेल्फ रियलाइजेशन हो, आप क्या कर सकते हो। इस तरीके की टॉक्स हो रही थी कि इसमें आपका करियर बन सकता है, आप आगे बढ़ सकते हो, आप कर सकते हो। जब ये बातें कानों में पड़ती थी तो पहले तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जब रेगुलरली इन मीटिंग्स में जाने लगे, रेगुलर रूप में जाने लगे, तब समझ में आने लगा हाँ हाँ ये बातें सही तो हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये करना शुरू कर चुके थे और इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे उस जमाने में कैसेट्स आया करते थे, कैसेट्स को सुनते थे और प्रोडक्ट्स की नॉलेज उनसे भी मिलती थी, लीडर्स की बातें सुनते थे और फिर मन में विश्वास आने लगा कि हम इससे कुछ पैसे कमा सकते हैं। और पहले और दूसरे महीने में ही हमें थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हो गए थे। जब वो पैसे थोड़े थोड़े आने लगे तो एक विश्वास बना कि जो बिजनेस कहता है, कंपनी जो कहती है वो करती भी है, और इसलिए हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले गए। हस्बैंड ने साथ दिया, हालांकि उस वक्त मेरी बेटियां बहुत छोटी थीं, जितना समय मैं निकाल सकती थी उतने समय को निकालती थी और इस बिजनेस में आगे बढ़ती चली गई। कुछ कुछ लोगों से बात भी करती थी, धीरे धीरे हमारा कारवां बनता गया और हम इसमें आगे बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद अब बात आती है कड़ी मेहनत की, कि कड़ी मेहनत के बिना यहाँ कुछ होगा नहीं। तो चूंकि मैंने बताया कि बच्चे मेरे छोटे थे इसलिए मैं उस तरीके से बाहर निकल के ज्यादा नहीं जा सकती थी, तो यहाँ ये काम मेरे हस्बैंड ने किया था उस वक्त। तो मैं उन्हें बुलाती हूँ और वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत करी। तो सबसे पहली चीज तो हमको ये बताया गया कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करिए, अनप्रोडक्टिव चीजों को लाइफ में से कम कर दीजिए। तो मुझे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ, सोसाइटी को अपने ढंग से एनालाइज करता हूँ, तो मैंने ये पाया कि इंडिया में लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो इनविटेशंस हैं, पार्टी इनविटेशंस हैं, उसको अटेंड करने में खत्म हो जाता है। बहुत रिलेशनशिप लोग मेंटेन करते हैं, तो मुझे लगा कि इसमें तो बहुत टाइम जाता है, रोज ही दावत है, फिर कभी लोग टूर पे जा रहे हैं, छोटे मोटे फन कर रहे हैं, उसी में इकट्ठे होकर के टाइम खत्म कर रहे हैं। तो मुझे ये लगने लगा कि इसमें यहाँ पर कुछ हम चेंज कर सकते, तो हमने इनमें से बहुत सी चीजों को पोस्टपोन किया और जो दावतें हैं वो सब रात में 10:30 के बाद, वहां पर अगर खाना खत्म भी हो गया नो इशू, लेकिन हम दावत में जाएंगे अपनी मीटिंग्स, अपने प्लान्स, अपने सारे काम करने के बाद। और वहां पे जाने के बाद हमने ये महसूस किया कि अगर खाना खत्म भी हो गया है तो वो जो भीड़ में जितने उसके रिश्तेदार और दोस्त आए थे उनमें से तो वो भूल जाता कि कौन आया था कौन नहीं आया, लेकिन अगर हम लास्ट में गए तो हमको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा ये बिजी भी थे तब भी आए थे। तो इज्जत बढ़ गई, इज्जत घटी नहीं बढ़ी। तो खाना तो घर में बढ़िया खा ही लेंगे, वहां पे भी खा सकते हैं, जैसा होगा देखा जाए। तो एक चेंज हमने अपनी लाइफ में ये बहुत बड़ा किया और इसको हमने एक अपनी हैबिट बना ली, वी नेवर गो इन एनी पार्टी ऑन टाइम, वी आर ऑलवेज लेट बिकॉज वी आर सुपर VIPs। ये हमने अपने अंदर एक जज्बा बना लिया और इसकी वजह से हमारा काम कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। दूसरी चीज ये कि हमारे जो अप्लाइंस हैं, जैसे नारंग सर हैं और कुछ अप्लाइंस में, ये दूसरे शहरों में भी जा के काम करते थे, दौड़ दौड़ कर जा करके काम करते थे, गाड़ियां दौड़ाते थे, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो मैंने कई शहरों में दौड़ दौड़ के काम करना शुरू किया और उसकी वजह से जब हम किसी गोल पे जा रहे होते थे तो कभी अगर कठिनाई भी हो रही होती थी तो पता नहीं, जब काम करो तो कहीं ना कहीं से रिजल्ट्स आ जाते और मिरेकुलस रिजल्ट्स भी आ जाते। कोई बहुत मुस्कुराता हुआ, पता नहीं वो क्यों खुश हो जाता है,
क्यों वो तेजी से निकल के चला आता है और वो बिल्कुल अनजान अपना सगा हो जाता है समय के साथ, तो ऐसा हो जाता है। तो हमने इस तरीके से मेहनत करनी शुरू की और उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हुए। एक चीज हमने इसमें पाई अपनी जिंदगी में, जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो हमसे सीनियर्स थे वो रिटायर हो रहे हैं, तो मैंने पाया कि वो चाहे उन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों ने नौकरी की हो, चाहे उन्होंने अकेले की हो, व्हेन दे आर रिटायरिंग तो दे उनके चेहरे में एक फर्क दिखता है, उनकी लाइफ में कुछ टूटन दिखती है, उनका जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट से कमजोर है ये वो दिखता है, वो पावर्स नहीं दिखाई देंगी ये सब दिखता है। और हमको कुछ ऐसा हो गया कि हमें यहां से ऐसा माइंडसेट मिला है कि एक उमंग भर गई है, ऐसा लगता है कि कोई जरूरी नहीं मैं ये नौकरी पूरी करूं, मेरी तो इनकम्स अलग से आनी शुरू हो गई है। फिर मुझे दिखाई देता है कि रिटायरमेंट के बाद मेरी वाइफ की जो ये इनकम है ये तो कमाल की इनकम है और ये उनकी पेंशन से ज्यादा है और ये और बढ़ जाएगी, ये जितने बुढ़े होंगे ये पीछे जाएंगे और मैं तो जब तक इस दुनिया में रहूंगा और आगे फाइनेंशियली और आगे जाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ में, लाइफ स्टाइल में, जिंदगी की सोच में, जब कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं और पब्लिक से मिल रहे होते हैं उस समय अंदाज में, ये बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। इसके साथ साथ मैंने भी कुछ चीजें सीखी हैं, लर्निंग्स की अगर जहां तक बात है, तो मैंने जो चीजें हमारे अंदर होता था कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड थी, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, किसी की भी बात को मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती थी। जब मैं मीटिंग्स में जाने लगी और वहां पर डायमंड लेडीज को सुना, बहुत सारी डायमंड लेडीज आती थी उन मीटिंग्स में, और समय समय पर जब मैंने उनकी टॉक्स को सुना, उनकी वाणी को सुना, और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने आप को बदला है, और इस बदलने के क्रम में उन्होंने कुछ बुक्स के नाम बताए कि ये किताबें पढ़ी, पर्सनैलिटी प्लस पढ़ी, और भी ऐसी बहुत सारी बुक्स पढ़ी कि आप पीपल स्टॉक कैसे करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो उन किताबों को मैंने भी पढ़ना शुरू किया, उन बुक्स को पढ़ना शुरू किया। उस जमाने में बुक ऑफ द मंथ आया करती थी, बुक्स हमारे घर में बहुत सी आती थी। जब उन बुक्स को पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे खुद में चेंज आने शुरू हुए, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर सीखी एडिफिकेशन की, कि हमें हर किसी को एडिफाई करना है। जब हम दूसरों को एडिफाई करते हैं तो हमारा खुद का एडिफिकेशन होता है। ये चीजें पहले मुझे नहीं मालूम थी कि हम हर वक्त दूसरों की तारीफ क्यों करें। मुझे लगता था कि ठीक है कोई बहुत खूबसूरत है तो कर सकते हैं, लेकिन बेवजह हर वक्त हर किसी की तारीफ करना शायद मेरी पर्सनैलिटी में नहीं था। लेकिन जब यहाँ आए और ये लगा कि यहाँ सभी लीडर्स ने कहा कि लोगों से मुस्कुरा के बात करो, जब आप मुस्कुराते हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है, आपकी सोच बहुत अच्छी हो जाती है, और वहां पर जब आप मुस्कुरा के बात करते हो तो वहां पर एक होता है लोगों पे हंसना और दूसरा होता है कि लोगों की फीलिंग्स के साथ जुड़ के उनसे मुस्कुराना। तो जब ऐसी चीजों को सीखा, ऐसी बातों को पढ़ा, तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी में चेंज आने शुरू हुई। मैं खुद को अंदर से बदलता हुआ महसूस कर रही थी। और इसके साथ साथ एक और बहुत जो खास चीज सीखी थी, खास करके हाउसवाइफ से जब भी आप बात करो तो वो यही कहेंगी कि टाइम कहाँ है हमारे पास, मैं तो सारा दिन बच्चों में, हस्बैंड में और फैमिली में बिजी हो जाती हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है। तो सबसे बड़ी चीज जो सीखी वो था कि फैमिली को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट। आप खुद को कैसे मैनेज करेंगे, वही घर है आप चाहे तो पूरा दिन उसकी सफाई में लगा दें, वही घर है जो आप 2 घंटे में भी वो काम कर सकते हैं। तो मैंने खुद को सोचा यार कि मैं अगर कोई किसी को हायर कर लेती हूँ और अगर उसे मैं थोड़ा पैसा देती हूँ तो उसके घर में भी इनकम आएगी और मेरा वो समय बचेगा, मेरी एनर्जी बचेगी, मेरी सोच थोड़ी देर बदलेगी, मैं उस लो मानसिकता से निकल के थोड़ी देर हायर मानसिकता में आऊंगी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस मैंने अपने अंदर किए, हालांकि ये लेडीज के लिए बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को ये बदला, समय को बदलना शुरू किया। इससे मेरी पर्सनैलिटी की ग्रोथ हुई। मीटिंग्स में जाते थे तो खुद को ग्रूम करना सीखा कि खुद को हमेशा फिट रखना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने लुक्स पे ध्यान देना है, अपने अटायर पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से खुद की सेल्फ ग्रूमिंग करनी शुरू करी। प्रोडक्ट तो हमारे पास नायाब थे ही, आर्टिस्ट्री के, एटीट्यूड्स के, पर्सनल केयर, होम केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जिस किसी का भी नाम ले तो वो अपने आप में नंबर वन प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स का 100% यूज किया, 99.9% नहीं 100% यूज किया, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझ पे दिखाई देना शुरू हो गया। और जो हमारी लीडर्स की टॉक हुआ करती थी उनसे खुद को बदलना शुरू किया।
एक बार एक बहुत अच्छी एक मैडम आई हुई थी, वो उन्होंने एक चीज कही जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि लेडीज घर में आती और सोचती मैं सारे दिन काम करती हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, लेकिन क्या आपने किसी भी हाउस वाइफ को गोल्ड मेडल लेते हुए देखा है उसके कामों के लिए? आज तक बता दूं किसी एक हाउस वाइफ को कभी किसी ने गोल्ड मेडल दिया हो कि तुमने सुबह से लेकर रात तक, मान लेते हैं वो 60 ईयर्स तक काम कर रही थी, 20 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स, 40 ईयर्स की तुमने नॉन स्टॉप सर्विसेज दी हैं, इवन संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं ली, किसी त्योहार पे तुमने कोई छुट्टी नहीं ली थी, इवन देन क्या कभी उसको कोई मेडल मिला है? और ये बात मुझे टच कर गई। उस दिन मैंने सोचा यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ और मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। मैंने खुद को बदलना शुरू किया और खुद को बदलते बदलते आज मैंने अपने आप को बहुत से कामों से फ्री कर लिया, उन कामों के लिए दूसरों को हायर किया, उनको थोड़ा पेमेंट किया, उनके भी घर अच्छे चल रहे हैं, वो भी खुश हैं, और इस तरीके से मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए और लीडर्स की टॉक से, ट्रेनिंग से बहुत बड़ी चेंजेस आते चले गए। और नो डाउट जब मैं बदल रही थी तो मेरे घर में आने वाला पैसा भी ज्यादा हो रहा था। उससे एक दो चीजें और बहुत मजेदार हुई। अब रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं कि इनसे मुझे मिला क्या, मैं पर्सनली अगर खुद की बात करूं तो मेरे ट्रेवल के तरीके बदल गए। बच्चे अपनी मर्जी के कॉलेजेस में पढ़ रहे थे जिनकी फीस हम पहले पे नहीं कर सकते थे। हस्बैंड का जॉब था, मैं नॉन वर्किंग थी, वहां की जो बहुत बड़ी बड़ी फीस हुआ करती थी और उनका आने जाने का जो ट्रेवलिंग का खर्च हुआ करता था वो एक सैलरी से तब पॉसिबल नहीं हो सकता था। मेरे बच्चे बहुत छोटी उम्र से बोर्डिंग स्कूल में चली गई थी, क्लास 8 से मेरी बेटी चली गई थी चेन्नई पढ़ने के लिए। आना जाना फ्लाइट से साल में 4 बार आना या 5 बार आना जाना होता था, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे अगर एमवे हमारे पास नहीं होता। अगर एमवे की इनकम हमारे पास नहीं होती तो हम उस जैसी सोच में नहीं आ सकते थे। अफोर्ड तो हो सकता हो जाता किसी तरह, लेकिन हमारी सोच में नहीं आ रहा था कि हम हर बार फ्लाइट का टिकट क्यों खरीदें, लेकिन ये कभी सोचना ही नहीं पड़ा मुझे। और इस तरीके से हम लोगों के जीवन बदल गया। घर को हमने समय समय पर अपने घर को रेनोवेट कराते रहे जब जब जैसी जरूरत पड़ी। हमारी यात्राएं बदल गईं, एमवे की तरफ से हमने कई सारी फॉरेन ट्रिप्स ली और वहां जाने के बाद पता चला कि एक्चुअल एमवे क्या होता है। अभी तक केवल लीडर से सुनते थे, लेकिन जब वहां की ट्रिप्स पे गए, वहां एंजॉय किया और खुद अकेले बैठ के सोचा कि आखिर हमने किया क्या है जो इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड हमें मिले हैं, तो मुझे लगने लगा कि मैं वहां से बहुत बड़ा आगे बढ़ सकती थी। और इसके साथ साथ मैं मुझे अपना एक करियर इसमें मिलने लगा कि मैं एक अपना करियर बिल्ड कर सकती हूँ, मैं इसमें अपनी इनकम्स कर सकती हूँ और ऐसी बहुत अपने जैसी बहुत सारी लेडीज के लिए मोटिवेशन का काम कर सकती हूँ, उन्हें भी आगे बढ़ा सकती हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और इस तरीके से मुझे बहुत मजा आया और साथ साथ मेरे अंदर की बहुत सारी प्रतिभाएं निकल के सामने आई। जैसे खाना तो हर लेडी बना लेती है, लेकिन अगर किसी होटल का चीफ शेफ अगर आप देखेंगे तो वहां मेल होता है। क्यों? क्योंकि लेडीज अनप्रोफेशनली होती हैं और जो शेफ खाना बनाते हैं हो सकता है उनसे बेहतर दाल मैं बनाती हूँ, लेकिन हम चूंकि प्रोफेशनल नहीं होते हैं तो हमें कोई उसको रिवॉर्ड नहीं देता। और शेफ जो है प्रोफेशनल होते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं, उनका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, इस वजह से उनको लोग रिवॉर्ड्स देते हैं। ये चीजें मैंने खुद में बदलाव करी और आज उन चीजों को मैं एंजॉय कर रही हूँ। बहुत सारे और दूसरे रिवॉर्ड्स के बारे में मेरे हस्बैंड बात करेंगे। मैं एक बार एक मीटिंग में था, वहां पर मेरे बगल में एक बहुत सीनियर प्रोफेसर बैठे हुए थे एंड वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर जैसे मैथमेटिक्स में गोरख प्रसाद जी हुए हैं, तो हिज सन वाज बीइंग उनको ऑनर किया जा रहा था, तो उनकी वाइफ को भी किसी ने बुलाया, वो भी स्टेज पे आई। उनसे लोगों ने कहा कि मैडम आप कुछ बोलिए, तो वो बोली नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकती, उन पे काफी जोर डाला गया, वो नहीं बोल पाई। ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, इम्पॉर्टेंट था कि हमारे बगल में बैठे हुए प्रोफेसर ने कहा अचानक कि ये मैथ्स का ये अवार्ड कर पाने लायक प्रोफेसर है, इसने अपनी वाइफ को बिल्कुल डेवलप नहीं किया, ये कैसा आदमी है। पहले तो मैंने ये सोचा कि ये लोग पॉलिटिकली अपोजिट ग्रुप से होंगे इसलिए ये इस तरह से उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन चोट मेरे दिल में लग गई कि एक नेशनल प्लेयर, मेरी वाइफ है, हम भी नेशनल प्लेयर थे और उसको भी मेरे इक्वल जॉब मिल रही थी, हमने छुड़वा दी। और वो जब डिफरेंट वर्किंग लेडीज के बीच में होती होगी तो उसको कैसा लगता होगा, वो बहुत बड़ी चोट थी, वो इस बिजनेस ने खेल खत्म कर दिया।
एक दफे इलाहाबाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, आरपी सिंह साहब हमारे डायमंड हैं, वो उन्होंने उस मीटिंग में हमको होस्ट बनाया हुआ था। हमको वहां पर रिकॉग्निशन मॉडरेटर का काम करना था और मेरे माइग्रेन के हेडक हो गया और इतना तेज हुआ कि मैं खड़ा रहने लायक ही नहीं रह गया। तो हमने कहा कि सर वाइफ अकेले कर सकती है, लेकिन आप अगर चाहें अदरवाइज आप कपल दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप जैसा चाहें। और ये मीटिंग के ठीक एक घंटे पहले उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत देखी, बोले यस यू कैन नॉट डू, शी विल डू। और उसके बाद जब वो मीटिंग उसने होल्ड की है स्टेज से, उसमें पूरा हॉल जैम पैक, लोग जमीन पे बैठे हुए, और वो जो इसने बोला है तो वो बोले कि शी इज अ पावर। तो हमारे कॉलेज के टीचर्स क्लासरूम में बोल सकते हैं, लेडी टीचर्स, जेंट टीचर्स, बट द वे शी वाज स्पीकिंग, वो मेरा सपना ही पूरा हो गया जो उस प्रोफेसर के, दूसरे प्रोफेसर के क्रिटिसिज्म से पैदा हुआ था, वो गिल्ट खत्म हो गया। दैट अपॉर्चुनिटी वी गॉट हियर। और आखिरी बात कहता हूँ वो ये कि मैं एक बार, एक मेरे दोस्त ने हमारे भाई की शादी में, वो दूसरे शहर तक गया था अपने भाई की शादी में, मुझसे कहा तू अपनी कार लेके चलो। अब मैं कार लेके चला जाऊं तो फादर क्या रिक्शे पे चलेंगे, तो मैं गया ही नहीं फिर, क्योंकि कार ले नहीं जा सकते, कार ले नहीं जाएंगे तो बुरा मानेगा, और कार ले जाएंगे तो फादर को रिक्शे पे चलाएंगे, तो हम गए ही नहीं। जब वो लौट के आया तो उसने बहुत नाराजगी से घेर लिया, कलीग था, कॉलेज में मिल नहीं था, उसने कहा तुम नालायक, मैं तुम्हारे यहाँ गया था, तुम क्यों नहीं आए, और तुमसे कार ले चलने के लिए कहा था। तो फिर मैंने झूठ नहीं बोला, झूठ बोलने के लिए हम पैदा नहीं हुए, तो हमने सच बोला और बता दिया। बोला तो फिर तुम अपनी कार खरीदो, और मैं एकदम हिल गया कि अपनी कार मैं कहां से खरीदूं। लेकिन उसके बाद एमवे को आना था, आज कई कारें बदल चुके, हमने बड़ी कारें तो नहीं ली हैं, बट सेवरल कार्स। तो लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और हमारे जो फ्रेंड हैं वो डॉक्टर हैं, उन्होंने हमको डेमो करना सिखाया, हमको पीएच वैल्यू, हम बड़ी मुश्किल से पास हुए थे ट्वेल्थ में क्योंकि केमिस्ट्री थी हमारा सब्जेक्ट, वो पीएच वैल्यू हम ठीक से समझते नहीं थे, अल्कलाइन और एसिड का डिफरेंस नहीं समझते थे, वो उन्होंने नापना सिखाया और हमको एक्सपर्ट बना दिया। और हमने बीटा कैरोटीन समझना शुरू किया, मल्टी कैरोटीन समझना शुरू किया, और हमको बहुत पैसा आया उसकी वजह से, उन्होंने अपनी दोस्ती निभा दी। आज उनकी हमारे घर में जो इज्जत है, वो इज्जत हम भी बहुत से घरों में पाना चाहते हैं, और ज़रूर मिलेगी हमें कभी, हम भी उस रास्ते पर हैं। और हमारे रोल मॉडल इस मीटिंग के मुखिया हैं अनिल नारंग सर, हम उनको सैल्यूट करते हैं, और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर।